डायरेक्टर हैं और जब भी वो कुछ बनाते हैं वो हमेशा हमेशा एक्साइटिंग होता है देखने के लिए. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस. मैं एक्चुअली मीटिंग से आ रही हूँ तो वहाँ पर थोड़ा फॉर्मल टाइप इन्वायरमेंट था तो इसीलिए शायद मैं सूट बूट पहन कर आई हूँ. बूट तो नहीं पहने पर थोड़ा सूट बूट. मतलब मीटिंग्स हर प्रकार की होती हैं. मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं अपनी लाइफ को रोमांचक रखूं. तो जो भी जिस मोड़ पर भी मैं अपने आप को पाऊंगी वहाँ जो भी मुझे पसंद आएगा मैं उसका हिस्सा बनूंगी. थैंक यू. मेरा ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री जी हमारे हैं उन्हें हमने चुना है और वो 5 साल के यहाँ पर हैं और उन्हें पूरा मौका देना चाहिए कि वो जो उन्होंने वादे किए हैं और बहुत सारे वादे किए हैं वो अपने वादे निभाएं और उन वादों की बुनियाद से उन्हें या तो दोबारा इलेक्ट किया जाए या फिर नहीं किया जाए. ये जनता के हाथ में है. पर बहुत से वादे किए हैं और अब हम उन वादों की कितने वादे पूरे हुए हैं ये तो हम सब देख ही रहे हैं. उसके हिसाब से 2019 मालूम पड़ेगा कहाँ क्या होता है. थैंक यू. ये शो आप पूछ रहे हैं कहानी क्या है. ये शो एक अर्बन मैरिड कपल के बारे में है जिनकी शादी अगर बाहर से देखा जाए तो एकदम परफेक्ट है. जैसे हमें बच्चों ने बताया जाता है कि पढ़ाई करो नौकरी मिलेगी शादी हो जाएगी और उसके बाद लाइफ सेट है. सो अगर बाहर से देखा जाए वो सब कुछ है. यहाँ पे शादी हुई है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है, अपनी मर्ज़ी से की है, नौकरी भी अपनी मर्ज़ी से की है और अब घर भी खरीदा है. सो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. बट अगर एक मौका ऐसा आता है जहाँ पे जो कैरेक्टर जो ताहिर का है जिसका नाम राहुल है उनको ऐसा लगता है कि ये जो अभी तक जो मेरी लाइफ है वो इज़ दैट व्हाट आई रियली वांट, तो वो अपनी लाइफ पे पॉज हिट करना चाहते हैं और वो सोचना चाहते हैं कि ये डिसीजंस जो मैंने अभी तक लिए गए हैं ये मेरे डिसीजंस हैं या दूसरे लोगों ने मेरे लिए लिए हैं और उससे इस शादी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनके रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में. आपने देखी वेब सीरीज़? नहीं देखी है मैंने. इनफैक्ट जब से दानिश ने एपिसोड्स लिखने शुरू किए तब से राइट फ्रॉम द इंसेप्शन मुझे पता था कि वो क्या लिख रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स आई हैव सीन द एडिट. मैंने फाइनल कट अभी तक नहीं देखा है लेकिन अलोंग द वे जो भी अलग अलग एडिट्स हो रहे थे उसमें काफ़ी सारी झलकियाँ देखी हैं मैंने. अच्छी बात है. क्यों उससे क्या मिलता है? नहीं मेरी इच्छा ये है और मेरा आई थिंक वेब सीरीज़ का जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है जैसे आपने कहा उसका एडवांटेज यही है कि अनलाइक बॉलीवुड आप कहानी जिस एक्टर के साथ चाहे बना सकते हैं और वो एक्टर उस रोल के लिए करेक्ट है वही एक क्राइटेरिया है. बॉलीवुड में क्या होता है कि देखिए ये शायद इस रोल के लिए ठीक है मगर इनका मार्केट वैल्यू उतना नहीं है तो हम इनको लेते हैं क्योंकि ये हमें फ्राइडे को ओपनिंग अच्छी मिलेगी. वेब सीरीज़ में फॉर्चुनेटली अभी तक मुझे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिला. अगर ऐसा कोई शो लिखा जिसके लिए जैसा आपने कहा शाहरुख खान या कोई करेक्ट फिट हो और वो मेरे साथ काम करना चाहें तो शो व्हाई नॉट. बट एडवांटेज यही है वेब सीरीज़ का कि मेरे को इनिशियली उनके पास नहीं जाना पड़ेगा. मैं जो एक्टर रोल के लिए करेक्ट है उनको मैं कास्ट कर सकता हूँ एंड आई थिंक दैट्स गुड. थैंक यू. मतलब काम का जो स्टाइल है क्योंकि डायरेक्टर जो हैं वो फिल्म के डायरेक्टर हैं दानिश असलम और जो DOP हैं वो फिल्म और एड्स कर चुके हैं तो जो काम करने का स्टाइल है और तरीका है इट्स एब्सोल्युटली लाइक अ फिल्म बट इट्स लाइक डूइंग 2 films इन द स्पैन ऑफ 21 days. तो 12-12 घंटे की शिफ्ट होती थी बहुत ही हेक्टिक था. पर एज एन एक्टर जो आपका प्रोसीजर रहता है जो मेथड रहता है वो क्या है? यार ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है. ये एक ऐसा लड़का है जो आई थिंक आज की यूथ इसके साथ बहुत रिलेट कर पाएगी बिकॉज ये हिज नेम इज़ राहुल. वो एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसा हुआ है जहाँ पर वो खुश नहीं है पर समाज ने उसको बोल रखा है कि अगर आप गर्लफ्रेंड बनाएंगे और फिर उससे शादी करेंगे देन यू विल बी हैप्पी.
ही इज़ अ गाय जिसको 19 या 20 जब कॉलेज में होते हैं तो बोलते हैं कि इफ़ यू गो टू अ गुड कॉलेज इफ़ यू गेट अ डिग्री एंड इफ यू गेट अ गुड जॉब यू विल फाइंड हैप्पीनेस पर ये सब करने के बाद उसे खुशी मिलती नहीं है सो ऑल्दो इट इज़ अ कन्वेंशनल लव स्टोरी एंड इट इज़ अ रोमांटिक स्टोरी बट issues hain crisis point hai and that's what makes it interesting you have a full feature film also and now web series so yeah. do you feel is there any difference between a web series or a full feature film difference ye hai ki jab aap web series karte hain usme censorship nahi hota hai and jab audience hai wo immediate feedback aapko de sakta hai aur kuch kahaniyan aisi hain jo shayad 2 ghante mein nahi batayi ja sakti to 6 episodes mein usko bataya ja sakta hai and I think ये एक ऐसी चीज़ है जो आजकल इट्स द कूल थिंग टू डू सो अ लॉट ऑफ एक्टर्स अक्रॉस वेदर इट्स इंटरनेशनल एक्टर्स और एक्टर्स इन इंडिया वांट टू डू इट सो आई थिंक इट्स ग्रेट टू बी एन एक्टर एट अ टाइम व्हेन देयर इज अ मीडियम दैट्स अवेलेबल जब आप फिल्म भी कर सकते हैं और साथ साथ में वेब भी कर सकते हैं क्या बात कर रहे हो ये तो सारा जी को मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैंने सारा जी को बिल्कुल पैसे नहीं दिए ये बोलने के लिए ये वो सच में दिल से कह रहे बिल्कुल बॉय मैन जो भी आप कहना चाहें मैं तो ब्लश कर रहा हूँ लाल हो गया हूँ मैं दिखाई नहीं दे रहा तो और क्या और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ सारा के साथ क्योंकि जो मर्दानी और फोर्स जैसी पिक्चरें जब लोग देखते हैं तो उनके माइंड में एक डार्क सीरियस कैरेक्टर आता है तो उनके साथ जब काम किया जैसे आपने बोला जब एक खूबसूरत लड़की सामने खड़ी होती है तो अपने आप जो है एक चार्म जो है निकल के आता है और साथ में इस कैरेक्टर का नाम राहुल है तो जब राहुल नाम का आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो एक लेगेसी है यू हैव टू लिव अप टू दैट द चैलेंजेस फर्स्ट ऑफ ऑल दानिश असलम वॉन्टेड द होल स्क्रिप्ट रिहर्स्ड लाइक अ प्ले बिफोर तो 3 हफ्ते की रिहर्सल थी जहाँ पर एंड 6 एपिसोड्स की स्क्रिप्ट याद करना इट्स लाइक 2 मूवीज़ की आप स्क्रिप्ट जो है याद कर रहे हैं दैट वॉज अ चैलेंज और दूसरा था जो आप रोमांस करते हैं फिल्में देखते हैं तो यू फील दैट यू नो इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू बट आई फाउंड इट एज चैलेंजिंग एज डूइंग एक्शन इन फोर्स टू विद जॉन इब्राहिम यहाँ पर लड़की को पकड़ के एंड देयर इज अ किसिंग सीन विच इज़ इन द ट्रेलर एज वेल टू मेक इट लुक कन्विंसिंग यू हैव टू फर्स्ट बिलीव इन इट इन योर सेल्फ सो दैट वॉज क्वाइट अ चैलेंज So any upcoming project you like to share after we have seen in Montu also? Yes, so there is, I can't talk about it much because that film is still tayyar ho rahi hai, but I'm very excited about it. Nawazuddin Siddiqui ke saath ek film shoot ho rahi hai, jisme Nawaz aur main hai. And again, I'm playing a good guy in that. And Nandita Das is directing, par uske liye hum ek alag press conference karenge. Shooting start ho chuki? Nahin, midway hai, almost khatam ho gayi hai, post-production mein jo hai chalu. Wo early next year aayegi, par uske baare mein mere ko mana kiya gaya hai. नवाज भाई तो मतलब उनके साथ ऐसे कि फ्री में एक्टिंग क्लास हो गई मेरी ऐसा लगता है मुझे तो क्योंकि वो एक मंटो नाम के फेमस राइटर प्ले कर रहे हैं और मैं एक श्याम सुंदर नाम का एक फेमस स्टार था 1950s में तो स्क्रिप्ट में जो है उनकी जुगलबंदी ऐसी है कि वो एक कला मेरा कैरेक्टर एक कलाकार है जो एक बड़ा एक्टर बनना चाहता है और मंटो थे तो उसी सॉर्ट ऑफ जो है क्या या कम ओके सो नहीं तो वो ही जो एक ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री थी हमारी उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं पीरियड ड्रामा है और बाकी तो जब फिल्म आएगी उसके प्रोमोज आएंगे तो आप खुद ही देख लेंगे ओके थैंक यू सो मच वेरी एक्चुअली आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड शो द स्क्रिप्ट इज ऑसम द डायरेक्टर इज रियली गुड इट्स अ यंग क्रू एंड आई थिंक इट्स समथिंग दैट शुड अपील टू द यंग ऑडियंसेस There is any difference between a web series or a full feature film? Not anymore. I think content is viewed on many platforms today, and I think if the product is good. If it's good content, it will be watched, notwithstanding which platform it is on. So if you get the opportunity to work in a web series, would I am. I am in this show. Okay, so yeah. I am in this. I've done a small part in this. So what part you're playing? You see it, but it's interesting. It's a nice romantic comedy kind of a subject, which also has a little serious message about young couples and what they face. And it's a nice small part. And I know Danish, the director, and Rishabh, the producer, for many years now. I've even worked with them before. So when they asked me to, you know, do this part, I was more than happy to be a part of this. And it's the whole show sounds really interesting and exciting. And I'm happy to be a part of it. So thank you.